तो थर दिखाने के लिए चलो रेडी थर दिखाने के लिए अच्छा सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन। मेरा नाम राजेश गुप्ता है, सीरियल करता रहता हूँ, बड़ी फिल्में भी किया हूँ और इस फिल्म में एक अच्छा सशक्त रोल कर रहा है किन्नर का। सीरियल में भी करता रहता हूँ, बहू हमारी रजनीकांत और उसके पहले सुहानी से एक लड़की जो मुझे ही बुलाते हैं करने के लिए, और मेरे आगे जो मेरे क्लैपिंग के आगे जो है जो मेन किन्नर है वो भी पानी कम है। सर आज ओनली सिक्स की बात करें, आज मुहूर्त है उसका, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बस ये फिल्म अच्छी चलेगी और हिट होगी और क्या, मेरी शुभकामना यही है। मैं अच्छा रोल कर रहा हूँ, ये फिल्म हिट हो। तो किस तरह का किरदार आप इसमें निभा रहे हैं? मैं तो किन्नर का करेक्टर कर रहा हूँ और सीरियल में करता रहता हूँ, कुछ प्रोडक्शन है पैनोरमा प्रोडक्शन है, वो मुझे इसी रोल के लिए बुलाते हैं। बहुत अच्छा करता हूँ, मेरी आवाज़ है बुलंद, आवाज़ है क्लैपिंग है बुलंद है और एक्शन तो देखिएगा फिल्म में। थैंक यू। हाय, मेरा नाम अरमान खान है और इस मूवी के अंदर मैं भी एक प्ले कर रहा हूँ, मतलब काम कर रहा हूँ उसके लिए। अच्छा, आपके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। कैरेक्टर मेरा एक्चुअली इसमें ऐसा है कि मैं अभी एक्सप्लेन आपको नहीं कर सकता, लेकिन जब भी ये मूवी रिलीज होगी उसके बाद आप मेरा काम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरा कैरेक्टर उसके अंदर क्या है। सर कितना एक्साइटेड है, आज इतना बड़ा शुभ दिन है गणेश चतुर्थी और आज आपकी मूवी का मतलब लॉन्च चल रहा है। एक्चुअली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि इस मूवी के लिए, क्योंकि मैंने और भी पहले इसमें को सीरियल में मूवीज वगैरह में मैंने काम किया, लेकिन बट ये बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी थी, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि ये मूवी जल्दी से जल्द स्टार्ट हो ताकि मैं इसमें काम कर सकूँ। ओके, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। ओके मैम, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन। हाय, माय नेम इज पेंटाली सेन एंड आई एम जस्ट प्लेइंग अ मेन लीड रोल इन दिस फिल्म। The lead role and the name is only six. Yes, so only six, maybe किसी ने सिक्स मारा सचिन ने, किसी ने फोर मारा, ये भी हो सकता है, या ओनली सिक्स ऐसा कुछ है जो कोई जज भी नहीं कर सकता। एंड जैसा है कि मतलब मीडिया में हम ये बता रहे हैं कि ओनली सिक्स इज़ बेस्ड ऑन किन्नरों की यू नो लाइफ स्टोरी, उनके ऊपर बेस्ड है ये पूरी फिल्म, उनकी लाइफ क्या होती है कैसी होती है। बस ये है कि उनसे भेदभाव मत करो, लाइक उनको इंसानियत की नज़र से देखो, इंसानियत जैसे उनके साथ रिश्ता निभाओ ऐसे। इसमें बताया है, फील कर रहे हो आप आज, इतना बड़ा दिन है और मुहूर्त भी है साथ। आज मेरे घर पे गणपति का फर्स्ट डे है और आज ही मैं मुहूर्त के लिए आई हूँ, तो काफ़ी लकी फील कर रही हूँ। और ये फिल्म की स्टोरी काफ़ी डिफरेंट है, हीरो नहीं हीरोइन नहीं, एक 5+1 लाइक छक्कों के ऊपर ये फिल्म है। सो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टोरी है इनकी और इन्होंने अमीन यादव जी ने 3 साल से इसकी बहुत रिसर्च की है और बहुत ही मेहनत से इन्होंने काफ़ी अच्छे से स्टोरी लिखी हुई है इसकी। कितनी एक्सपेक्टेशंस है इस मूवी के लिए? ज़्यादा ही है, क्योंकि काफ़ी अलग है स्टोरी, मुझे तो काफ़ी डिफरेंट लगी। अभी लीक नहीं करेंगे पूरा, बट एक टॉपिक दे दिया है कि ये मतलब किसकी लाइफ पे बेस्ड है ये फिल्म। थैंक यू। सर सबसे पहले आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम कुमार सपा, सिंगर हूँ। सर कितना स्पेशल फीलिंग है आज, इतना बड़ा दिन है और प्लस आपका मुहूर्त भी, मतलब इस मूवी का मुहूर्त भी हो रहा है, तो स्पेशल फील कर आज के दिन? आज तो बहुत अच्छा दिन है, गणेश चतुर्दशी है, मुझे शुभकामनाएं कि फिल्में बने। सर आज मतलब इस मूवी में आप एक सॉन्ग भी सिंग कर रहे हैं। मैंने गाया, तो उनकी दो लाइनें हमें सुना दीजिए। दो लाइन। लाल जोड़े में सज के चली वो पिया के घर, मेरे दिल को तोड़ कर मुझे तन्हा छोड़ कर। इस गाने के मुखड़े हैं।
गाने के मुखड़े सुन के तो ऐसा लग रहा है काफी मतलब विदाई का सीन है। विदाई से तो इस विदाई के सीन को कहीं पे आप रेफरेंस लेके गाए मतलब किसी को याद करके? मैं याद करके तो गाना ही पड़ता, बिना याद को होगा ही नहीं गा रहे। जैसे मेरी कोई अगर गर्लफ्रेंड तो उसकी शादी हो गई, उसकी विदाई हुई। अच्छा, आप रियलिटी से कनेक्ट करके गाते हैं? बिल्कुल, मेरे जितने भी गाने सब रियलिटी है। जैसे रब्बा इश्क मैंने इनका गाया था, तो उस टाइप का पूरा रियलिटी गाने। अच्छा, कोई मैसेज जो आप अपने फैंस को या फिर हमारे व्यूअर्स को देना चाहें? बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि आज के दिन के शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी के सारे लोगों को बधाई हो। आकाश में इतने तारे हैं कि चांद दिखाई ना दे, और आप सभी की जिंदगी में इतना खुशी दे पूरे संसार दिखाई दे। थैंक यू, थैंक यू। आज तो बहुत अच्छा फील कर रही हूँ मैं। हालांकि ये फिल्म जो बन रही है ओनली सिक्स बोल रहे, इस पिक्चर के किरदार से दुनिया को, जगत में, पूरे वर्ल्ड में पता चलेगा कि किन्नर समाज के लिए क्या क्या होता है, किन्नर का दुख क्या है, किन्नर के बारे में दिल का क्या दुखड़ा है, और किन्नर के दिल के अंदर की बात क्या होती है, उस पूरी जगत दुनिया को पता चलेगा। सो आज आपकी लाइफस्टाइल पे पूरा ये पिक्चराइज हो रहा है, कितना रियलिटी और कितना फेक है? क्योंकि ज़्यादातर अगर देखा जाए तो लोग फेक देखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। नहीं नहीं, ओनली ऐसा देखा जाए तो बोलते ना, जो जिंदगी के जिंदगी के दौर में जो चलता है आज के गुजर में, वही दिखाने का इस पिक्चर के माध्यम से दिखाना चाह रहे सब, क्योंकि किन्नर के समाज के प्रति लोग क्या सोचते हैं, उनके बारे में क्या बोलते हैं, उनके लिए क्या, उनकी ये रहती रियल दिल में से क्या जो रहता है ना, बोलते एक मीनिंग फीलिंग्स, वो पता चलेगी इस पिक्चर से। अच्छा, पिक्चर की बात करें तो आपका किरदार क्या है पिक्चर में, मतलब आपके किरदार का जो नाम है वो कैसे है? अभी तक मेरा किरदार क्या है वो अभी तक मैं नहीं बता पा सकती, बाद में पता चल जाएगा आपको। अच्छा, इस पिक्चर को लेकर आप कितनी उत्सुक हैं, कितनी एक्साइटेड हैं? तो मुझे भी बहुत आशा हो रही, खुशी हो रही कि ये पिक्चर रिलीज हो रही है। इस पिक्चर के माध्यम से मैं भी इस पिक्चर में आ जाऊँगी और पूरे समाज को दिख दे जाएगा किन्नर के प्रति क्या होता है क्या नहीं, इस दुनिया में सबको पता चल जाएगा। अच्छा, कोई मैसेज जो आप हमारे व्यूवर्स को देना चाहें? कौन सा मैसेज दूँ? आपने समाज के बारे में कुछ भी बताइए कि हमारे समाज में कैसे किस तकलीफें हैं, क्या क्या है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, ऐसा देखा जाए कि तो बताइए ना आपको। समाज में किन्नर के प्रति हर कोई ऐसा देखा जाता है कि तुच्छ नज़र से, कि उनको ऐसा बोलते ना, पैसा दे दिया भगा दे दिया, कभी कोई पैसा भी नहीं देता है। अभी आज तो आपको भी पता है हर जगह जच्चा बच्चा होता है, हर जगह शादी होते है, उधर नाचते नचाते उतना ही दे देते, बाद में कोई देता भी नहीं। हालांकि बोलते ना, उनको भी समाज में एक बोलते ना इज्जत मिलना चाहिए और जगह होनी चाहिए, हक मिलना चाहिए, वैसा हक और नहीं मिल रहा है। और वो भी इंसान है, और हालांकि देखा जाए तो किन्नर भी एक इंसान ही होता है ना। Exactly. जैसे आम इंसान के बदन में खून है, वैसे किन्नर के भी बदन में वही खून है ना, जिसको जैसे ही बोलते ना इंसान को, बाकी इंसान को जो दर्द होता है वो किन्नर को भी दर्द होता ही है ना। ये बात होती है। और आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, थैंक यू। थैंक यू, आप कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू। क्या नाम है मैडम? हाँ, मैं चंद्रकला सिंह, प्लेबैक सिंगर हूँ। मेरे काफ़ी पिक्चरों में गाने आए हैं, जैसे मौसम, खिलाड़ी 786, पार्टनर, और काफ़ी पंजाबी पिक्चरों में भी है। अभी बहुत सारे गाने आने वाले हैं, अब आजमस्तान जी की पिक्चर में भी गाना आ रहा है। अभी मेरी एक सूफ़ी एल्बम मैं करने वाली हूँ, और मैं सूफ़ी और फोक ज़्यादा गाती हूँ फिल्मों में। तो आज मैं इनकी फिल्म के मुहूर्त पर आई हूँ। थोड़ा सा आज ओनली सिक्स जो पिक्चर बन रही है उसके मुहूर्त पर आई हूँ। तो मैं पंजाबी हूँ, तो हम लोग में पंजाब में हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग थे, हम लोग इन किन्नरों का बहुत कदर करते हैं, कदर लाइक कि इनको हम लोग भगवान के नज़दीक मानते हैं, तो हम लोग इनका आशीर्वाद लेना बहुत शुभ मानते हैं। और इनका काफ़ी शादियों में जब भी हमारे कोई बच्चा होता है या शादी होती है तो इनको बुलाना शुभ मानते हैं, इनका आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी मानते हैं कि नई जोड़ी को या नए बच्चे को इनकी गोद में देना, उनका आशीर्वाद चाहिए, उसके बिना हम लोग कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं करते हैं।
तो मैं अभी पॉलिटिक्स में भी जाने वाली हूँ, दिल्ली में मुझे टिकट मिलने वाली है। तो मेरा ये रहेगा किन्नरों के लिए, क्योंकि अगर मुझे अच्छी जगह मौका मिला तो मेरी थिंकिंग ये है कि इनकी इनमें इतनी प्रोटेक्शन है कि इनको हम लोग आर्मी में भी ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग की सबकी थिंकिंग है कि इनको जॉब नहीं मिलती है जहाँ कोई काम नहीं कर सकते। अभी थोड़ी देर एक साल पहले मेरे घर में एक किन्नर आए थे, बहुत छोटी उम्र के थे वो, 24 साल के, तो बोले कि मुझे कुछ काम नहीं है तो आप मुझे अपना घर में झाड़ू पोछा ये वो करने के लिए रख लीजिए ना। मैं कहा प्लीज़ आप मुझे भार मत चढ़ाइए, हम लोग आपको बहुत भगवान के साथ मानते हैं। तो मेरे रोंगटे भी खड़े हो रहे, तो मैंने कहा नहीं आपको जो भी कुछ चाहिए रहेगा मैं आपको देती रहूँगी, तो आप ऐसा मत करिए। तो फिर उनको मैनेज, तो हम लोग बहुत ज़्यादा इनको मानते, मेरे ख्याल में इनको भी जॉब मिलने का हक होना चाहिए। और मैं अगर मुझे अच्छी पोस्ट मिली, वैसे इंडिया लेवल पे मैं जाने वाली हूँ पॉलिटिशियन में, तो मैं इनके लिए मोदी जी को ज़रूर एप्लीकेशन दूंगी कि अगर हो से इनमें इतनी प्रोटेक्शन है, इनमें इतनी हिम्मत है दुनिया से लड़ने की, तो क्यों ना इनको हम लोग आर्मी में जॉब दे। क्योंकि कितने फौजियों की हमें ज़रूरत है, ये भी तो इंसान है और मर्द जैसी इनमें प्रोटेक्शन है, तो इनको भी उस जॉब पे क्यों ना लाया जाए। अपने देश के लिए लड़ेंगे भी, अपने देश के लिए काम भी आएंगे, और उनको भी लगेगा कि हम लोग को भी आराम से रोटी मिल रही है, हम लोग को टाइम पे सब कुछ मिल रहा है, इज्जत मान मिल रहा है। तो मेरी ये थिंकिंग है इनके लिए बहुत। अगर मेरी ये कहीं न्यूज़ मोदी जी सुन लें तो प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ऐसा कुछ इनके लिए कीजिए कि ये भी दुनिया में इज्जत से और मान से जी सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा, आज आपकी मूवी का मुहूर्त है और इतना बड़ा दिन भी है, तो कितनी स्पेशल फीलिंग है आज, और एक ऐसी मूवी जो पूरी रियल लाइफ पे बेस्ड है, कितनी एक्सपेक्टेशन और कितनी खुशी है। हाँ, मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं तो मुझे जानकारी नहीं इतनी, लेकिन तो भी मैं आई हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है सब लोग को देख के। तब भी मेरे लाइफ के बारे में मुझे जानना चाहती हूँ कि मैं मेरे खुद के लाइफ मुझे मालूम नहीं है, मैं अपने लाइफ के बारे में जानने के लिए आई हूँ। ओके मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर जो मैंने अभी पूछा? हम साझा कर टकराता है नहीं, सेम टू। अच्छा, तब मैं तीनों को एक साथ ही क्वेश्चन कर लेती हूं। किन्नर के ऊपर काफी सारी मूवीज बन चुकी है, तो इस मूवी में क्या इतना स्पेशल आपको लग रहा है या फिर क्या एक्सपेक्टेशन है कि ये काफी हिट होगा? भगवान को शादी कराना, ऐसा है ना कि इस मूवी में ऐसा है कि एक किन्नर होता है, हम किन्नर है, एक किन्नर को ये लोग ऐसा दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारी लाइफ कैसी रहती है, हम कैसे पैदा होते हैं, हम कैसा हमारे माँ बाप छोड़ के हम कहाँ आते हैं, और मतलब ये सब दिखाना चाहते हैं, हम ये सब दिखाएंगे। आप कुछ ऐसा मैसेज है जो देना चाहते हैं गवर्नमेंट? हमको कोई रिसीव नहीं करता है, हम ऐसी हमारे लाइफ मेरा हमें जॉब भी नहीं मिलती, हमको कोई रिसीव भी नहीं करता, हमें देख के लोग मजा उड़ाते, हमको देख के ना कोई इतना रिसीव करे कि ऐसा मूवी ये बना रहे, इसके लिए हम ये कर रहे दुनिया। अच्छा, आपसे बात करें तो आपको कितना दुख होता है जब इंसान किन्नर को कुछ मतलब एलियन या फिर जानवर समझते हैं, देख के मुंह फेर लेंगे या फिर कुछ ऐसा करते हैं, तभी मतलब कैसा दर्द होता है? अजीब लगते हैं। और कुछ आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि आपको मतलब आप भी इंसान है, कोई अगर हमारे साथ ऐसा करे तो हम तो भी मुंह फेर के झापड़ मार देते हैं, आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है? हाँ, ऐसे लगता है को मान कभी आपने ऐसे मारा है किसी को? हाँ, मारा दो तीन मारे। लेकिन कई जगहों पे अभी जैसे कि पंजाब में किन्नर को भगवान के हिसाब से गिना जाता है, वो किन्नर का पैर पूछते हैं, तब वही होता है एक साइड जहाँ पे आपको पॉजिटिव है वही दूसरी साइड आपको नेगेटिविटी है, तो इस चीज को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पे ऐसे नहीं है, यहाँ पे सब अजीब बोलते है किन्नर है क्या है। अच्छा, आज तो आपका मुहूर्त है, लेकिन मुहूर्त के अलावा आप क्या करती हैं? अच्छा लगे सब अभी देखे, अच्छा लगे। आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप जो इंडस्ट्री क्या काम करती हैं? आई में काम करते
भीख मांगते मैं भी ऐसे मतलब इतने में आपको गुजारा सब कुछ हो जाता है नहीं होता नहीं होता क्या और चीजें कर मतलब क्या क्या करती है क्योंकि भीख मांगने में आजकल इतना कुछ नहीं मिलता क्योंकि किन्नरों में भी अब तो कुछ असली होते हैं कुछ नकली होते हैं उसमें भी काफ़ी सब चीज़ें आ गई हैं आपकी कास्ट को लेकर काफ़ी सारे लोग अभी इमिटेट होते हैं वो सब है तो उसके बारे में बताइए ऐसा कुछ नहीं रहता है कि किन्नर सब सारे के रहते सब एक ही रहते उनको उनकी फीलिंग सब एक ही रहता है कि खाली दिखावट रहता कि किसी के कोई कुछ ऐसे बढ़ाते बाल ऐसा रहता सब सेम रहते किन्नर सब एक ही बहन भाई रहते हैं थैंक यू सर